दोस्तों, मैं रोहतास मलिक, सोल्जर मलिक एकेडमी रोहतक से। तो आज के जो टेस्ट है वह है 15 क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका पहला प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर कौन था? तो इसका जो ऑप्शन है, क्या वह अंतिम लोधी शासक था? बी ऑप्शन है शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी था, या अंतिम मुगल शासक था, या फिर मराठा शासक शिवाजी का उत्तराधिकारी था। तो दोस्तों, आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें। टोटल 15 क्वेश्चन हैं, तो आपको इसमें से कितने आते हैं ये देखना दोस्तों। इसका आंसर कमेंट में दे दोस्तों। जल्दी जल्दी दोस्तों, इसका आंसर कमेंट में दे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिख सेना क्या कहलाती थी? सिख सेना क्या कहलाती थी? क्या वह अकाली, सिंह दल, या खालसा, या गुरुद्वार? प्रश्न नंबर 2 का दोस्तों आंसर कमेंट में देना दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? क्या मुंबई, क्या सूरत, क्या कोलकाता, या मद्रास? तीसरे क्वेश्चन का दोस्तों आंसर अपना कमेंट में दें, जो बार बार पेपरों में आते। प्रश्न नंबर 4, भारत में आने वाले, सबसे पहले आने वाले और बाद में जाने वाले कौन थे? क्या वे पुर्तगाली थे, क्या वे फ्रांसीसी थे, अंग्रेज थे, या डच थे? दोस्तों अपना जो आंसर है वह कमेंट में ज़रूर देना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने का नाम राज्य हड़प नीति से जुड़ा हुआ है? किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति से जुड़ा हुआ है? क्या रिपिन, क्या डलोजी, क्या लॉर्ड विलियम बेंटन, क्या करजन? तो दोस्तों पांचवें क्वेश्चन का आंसर दें। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट में जरूर दें। प्रश्न नंबर 6, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1775 में, 1757 में, 1761 में, या 1576 में? तो दोस्तों ये आपका 6 प्रश्न, इसका जो आंसर है वह आप कमेंट में ज़रूर दे दोस्तों। और जो आपकी पिछली वीडियो है, आपने रीजनिंग की वीडियो देखनी है या मैथ की देखनी है, किसी भी प्रकार की टेस्ट की, वो अपने चैनल पे उपलब्ध है। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें। प्रश्न नंबर 7, भारत में सबसे पहले
रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई? 1848, 1853, 1875 या 1888। भारत में सबसे पहली जो रेलगाड़ी चलाई गई थी दोस्तों, वह कब चलाई गई? तो इसका आंसर जो है अपना कमेंट में दें, और ये भी बताना कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, कहाँ से कहाँ तक चलाई गई। ब्रह्म समाज के संस्थापक, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती या ईश्वर चंद्र विद्यासागर या राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद? तो दोस्तों इसका आंसर जो है प्रश्न नंबर 8 का आंसर कमेंट में ज़रूर दे दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, केशव चंद्र सेन ने या विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने? प्रश्न नंबर 9 का आंसर कमेंट में जरूर दे दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? वेदों की ओर लौटो किसने कहा? स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा या राजा राम मोहन राय के द्वारा? वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का आंसर कमेंट में ज़रूर दें। सती प्रथा, सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? क्या डलहौजी था, क्या लॉर्ड रिपिन था, क्या लॉर्ड विलियम बेंटिंक था या लॉर्ड कर्जन था? सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? आंसर कमेंट में जरूर दें। प्रश्न नंबर 12, राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने, राम कृष्ण परमहंस ने, एम जी रांडे ने या केशव चंद्र सेन ने? प्रश्न नंबर 12 आंसर कमेंट में। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ? 1917 में, 1902 में, 1909 में या 1912 में? तो दोस्तों अपने आंसर जो है वह कमेंट में ज़रूर दें कि आपका जो आंसर है वह क्या है। प्रश्न नंबर 14, 1857 के विरोध में सबसे पहला बलिदान किसने दिया, 1857 के विरोध में सबसे पहला बलिदान किसने दिया? कुंवर सिंह ने,
तात्या टोपे ने, झांसी की रानी ने या मंगल पांडे ने। दोस्तों अपना जो आंसर है वह जल्दी जल्दी दें कमेंट में। प्रश्न नंबर 15। 1857 के विरोध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विरोध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मयो या लॉर्ड रिपिन। तो दोस्तों ये प्रश्न, तो इनके आंसर जो है कमेंट में ज़रूर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना दोस्तों। तो दोस्तों बहादुर शाह जो जफर था वह अंतिम मुगल शासक था दोस्तों। इसका आंसर जो था ये था पहले का सी। अपना मैच कर लो दोस्तों। दूसरा था शिवसेना क्या कहलाती है? शिवसेना क्या कहलाती है? तो शिवसेना जो दोस्तों वह खालसा कहलाती है। प्रश्न था 3। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की दोस्तों। अपना आंसर मैच कर लो। प्रश्न नंबर 4 था भारत में सबसे पहले आने वाले कौन थे और बाद में जाने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे, क्योंकि 1961 में गोवा को आज़ाद पुर्तगालियों से हुआ था दोस्तों। और 1498 में सबसे पहले जो आए थे वह पुर्तगाली आए थे दोस्तों। ये था इसका आंसर। तो किस हड़प नीति जो चलाई थी दोस्तों वह डलहौजी ने चलाई थी। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था दोस्तों। पहली रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में, जो 34 किलोमीटर है जो, और रेलगाड़ी का नाम था ब्यूटी क्वीन भाई। चला जो जब शासन था डलहौजी का, डलहौजी के काल में चलाई गई थी दोस्तों। ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है भाई दोस्तों राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना स्वामीदयानंद सरस्वती ने की थी दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना सरस्वती ने की थी। वेदों की ओर लौटो, तो दोस्तों वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? स्वामीदयानंद सरस्वती ने कहा था दोस्तों। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था दोस्तों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पारित हुआ था दोस्तों। अठारह सौ सत्तावन का सबसे पहले जो विरोध का बलिदान देने वाले थे वो मंगल पांडे थे दोस्तों। इनकी बटालियन का नाम था 34वीं बटालियन इन्फ्रेंट्री सेना, जो अभी अभी पेपर में आया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 15। 1857 के भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों, ये थे इसके आंसर। अब आपका जो टेस्ट था वो टोटल 15 क्वेश्चन थे,
तो आपके 15 में से कितने ठीक हुए दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना दोस्तों।